हिजबुल मुजाहिदीनचा दहशतवादी बुरहान वाणीच्या एन्काउंटरला वर्ष पूर्ण होत असताना काँग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. आपण सत्तेत असतो तर बुरहान वाणीला जिवंत ठेवलं असतं असं वादग्रस्त वक्तव्य त्यांनी केलं आहे. बुरहान वाणी जिवंत असता तर आपण त्याच्याशी बातचीत केली असती, आपल्याला काश्मीरी जनतेचं दुःख समजायला हवं असंही सैफुद्दीन सोज हे बोलले. देखे मेरे बस में होता मैं कहता कि बुरहान वाणी को जिंदा रहना चाहिए ताकि मैं डायलॉग करता उनके साथ और मैं समझाता उनको कि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती का एक बड़ा अच्छा मजबूत पुल बन सकता है और वो भी उसमें काम आते. लेकिन वो अब वो मर गए हैं. जिन लोग जो लोग शहीद मानते हैं वो माने, जो लोग मानते हैं कि वो कत्ल हो गए वो कर हो गया है हादसा. मगर मैं आपको कहता हूं हमको पलट के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान दोस्ती बढ़ाने के रास्ते में आना चाहिए और कश्मीरियों का दर्द समझना चाहिए. चाहे बुरहान वानी को लोग क्या क्या पुकारते रहेंगे, हड़तालें कितनी होंगी, उसमें मुझे दिलचस्पी नहीं है. मुझे इसमें दिलचस्पी है कि कश्मीर के लिए लोग महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक दर्द मंदी का दिल खोल दें. देखिए जम्मू कश्मीर ये विषय बरसों से चल रहा है. वहाँ पे पाकिस्तान की बुरी नज़र है. वहाँ हमेशा आतंक फैलाने की पूरी कोशिश में वहाँ के आवाम को, जनता को भड़काने की कोशिश करता आया है. इसलिए बरसों से वहाँ पर हम अलर्ट रहे हैं और विशेष करके जहाँ अमरनाथ जी की यात्रा आती है तो यहाँ से जितने भी पूरे देश से जो श्रद्धालु जाते हैं, भक्त जाते हैं, हाँ, और उन लोगों की सुरक्षा देना भारत सरकार की और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है. हमने पूरी चौकसी लगाई है, पूरी वहाँ पे निगरानी में हम रखा हुआ है, अलर्ट है वहाँ पे और अभी तक तो हम उसमें सफल हुए हैं. ऐसा है कि एक तरफ लाशें हैं जहाँ इस प्रकार की बात को इंस्टिगेशन से इस प्रकार की बात करते हुए माहौल तैयार करना जिससे गोली चले, जिससे जो है लोग जो हैं वायलेंस के ऊपर उतरें, पत्थरबाजी करें और मिलिटेंट्स को उनके बीच में आके गोलियां चलाने पड़े, चलने का मौका मिले, इस तरीके की बात को एक तरफ वो है वायलेंस है, एक तरफ वो है कि कुछ दिन के लिए इस प्रकार की बात को डील करने के लिए सिक्योरिटी लेवल पर कोई फैसला हुआ है. मुझे लगता है लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए. देखिए लोग इस घटना को जिंदा रख के इससे राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं और इससे वहां पर बढ़ते हुए अलगाववाद को, आतंकवाद को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें मालूम है कि बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जो उसका शव देकर वहां बड़े बड़े जनाजे निकालने की जो मुहिम चली उससे वहां के आतंकवाद को एक नई आग, एक नई ऊर्जा मिली और अब उसकी याद को जिंदा रखकर उस आग को फिर से हवा देने की कोशिश हो रही है.